It's not a game, it's a rich game. दोस्तों रिसेंटली एक और बार हमें महिंद्रा XUV 700 के स्पाइस शॉट्स है वो देखने को मिले हैं। और दोस्तों ये जो स्पाइस शॉट्स हमें देखने को मिले हैं उनकी खास बात ये है कि XUV 700 पर हमें कोई भी क्लेमो फ्लैग है वो देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब कि इसका जो एक्सटीरियर डिज़ाइन एंड लुक्स होता है वो हमें साफ साफ देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों ये स्पाइस शॉट्स ने तो धमाका ही कर दिया, क्योंकि दोस्तों नॉर्मली क्या था कि महिंद्रा है वो अपनी XUV 700 का थोड़े थोड़े दिनों में टीजर रिलीज़ करता था और छोटी छोटी बातें वो हमें जानने को मिलती थी, लेकिन ये स्पाइस शॉट्स के धमाके ने एक ही बारी में XUV 700 का पूरा एक्सटीरियर का लुक है वो रिवील कर दिया, मतलब कि लीक कर दिया। तो दोस्तों इसको लेकर आपका क्या सोचना है मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं XUV 700 के डिज़ाइन, लुक्स, फीचर्स एंड बाकी सारी एक्सटीरियर की डिटेल को लेकर। लेकिन उससे पहले एक बात की, अगर आप रोजाना ऐसी न्यूज़ देखना चाहते हो, रोजाना अपडेट रहना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं XUV 700 के एक्सटीरियर डिज़ाइन को लेकर। तो सबसे पहले यहाँ पर इसकी जो फ्रंट ग्रिल है वो हमें क्रोम फिनिशिंग में देखने को मिलेगी, मतलब कि इसकी जो ग्रिल में हमें सो स्लैट्स देखने को मिल रहे हैं वो हमें क्रोम की फिनिशिंग में देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं इसके हेडलैम्प यूनिट को लेकर। तो ये जो है वो हमें सी शेप में देखने को मिल रहा है, मतलब कि इसका जो बीम आता है हेडलैम्प का वो तो हमें बाकी कार्स की तरह सेम पोजीशनिंग पर देखने को मिल रहा है, लेकिन इसकी जो DRL आती है वो हमें सी शेप में देखने को मिल रही है। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो इसका जो ऑल ओवर पूरा हेडलैम्प यूनिट है वो हमें सी शेप में देखने को मिल रहा है। इसी के नीचे हमें फॉग लैम्प देखने को मिल जाता है, जिसकी पोजीशनिंग हमें बाकी कार्स के कंपेरिजन में थोड़ी सी नीचे देखने को मिल रही है। और उसी के साथ बात करें इसका ऑल ओवर बॉनेट की, तो वो हमें एक मस्कुलर लुक है वो दे रहा है। और दोस्तों बात करें इसके बॉनेट के जो फ्रंट फेंडर है उसमें हमें एक और चीज़ है वो देखने को मिली है, और वो है इसका जैसे हमें इसके रियर में हमें इसकी जो फ्यूल की टंकी होती है उसमें फ्यूल डालने के लिए जो एक ओपनर दिया जाता है वैसा ही सेम ओपनर हमें इसके फ्रंट फेंडर पर देखने को मिल रहा है। अभी ये फ्रंट फेंडर पर किस वजह से रखा गया है या फिर इसका क्या यूज़ हो रहा है या फिर इसका टेस्टिंग मॉडल में इसको यूज़ किया जा रहा है उसको लेकर अभी यहाँ पर कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं है। अब इसको स्पाइस शॉट्स में देख सकते हो, मतलब कि फ्रंट फेंडर पर उसको स्टिकर व्हाइट कलर के स्टिकर आते हैं उसके अराउंड चिपकाए गए हैं, अब इसको स्क्रीन पर देख सकते हो। बात करते हैं इसके रियर की, तो सबसे पहली बात को इसका रियर है वो हमें काफ़ी ज़्यादा चौड़ा देखने को मिल रहा है। उसी के साथ इसका रियर का जो लुक है वो हमें फ्रंट के कंपेरिजन में शार्प और स्लीकर देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर की साइड में स्पॉयलर देखने को मिल रहा है और स्पॉयलर के ऊपर हमें शार्प फिन एंटीना भी देखने को मिल रहा है। बात करते हैं नीचे की, तो नीचे हमें सिल्वर कलर की स्किड प्लेट देखने को मिल रही है और स्किड प्लेट के दोनों साइड में जो रिफ्लेक्टर आते हैं वो भी हमें देखने को मिल रहा है। रिफ्लेक्टर के अराउंड हमें क्रोम की फिनिशिंग भी देखने को मिल रही है। उसी के साथ इसके जो टेल लैंप वो भी हमें शार्प क्रिस्प डिज़ाइन में देखने को मिल रहे हैं और ऑब्वियसली इसके टेल लैंप हमें LED देखने को मिलेंगे। बात करते हैं इसके साइड व्यू प्रोफाइल को लेकर, तो इसके साइड व्यू में हमें इसका जो सेकंड पिलर, थर्ड पिलर एंड जो फोर्थ पिलर है वो सारे, मतलब कि पीछे के तीनों पिलर हमें ब्लैक कलर में देखने को मिल रहा है। इसका जो फ्रंट पिलर है वो हमें बॉडी कलर में देखने को मिल रहा है, इसके ओवर बीम्स में बॉडी कलर में देखने को मिल रहे हैं। और इसके में जो ग्लास होता है उसके नीचे हमें इसमें क्रोम की बार देखने को मिल रही है, जो कि ऑल ओवर कार को काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक दे रही है। और सबसे मेन बात, इसका जो मेन अट्रैक्शन है वो है इसके फ्लश डोर हैंडल, वो भी हमें इसके साइड प्रोफाइल में देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ इसमें हमें ब्लैक कलर की कुछ क्लैडिंग है वो हमें व्हील्स के अराउंड, मतलब कि व्हील्स के अराउंड बॉडी पर हमें देखने को मिल रहा है और नीचे की साइड भी हमें कुछ ब्लैक कलर की क्लैडिंग है वो देखने को मिल रही है। उसी के साथ इसके रूफ पर हमें रूफ रेल्स भी देखने को मिल रही है। तो ऐसी कुछ हमें डिज़ाइन है वो XUV 700 की फ्रंट, रियर एंड साइड प्रोफाइल की स्पाइस शॉट्स के मुताबिक देखने को मिल जा रही है। तो यहाँ पर हम फिर बात करते हैं XUV 700 के कंफर्ट एंड सेफ्टी फीचर्स को लेकर। तो यहाँ पर सबसे पहली बात की, XUV 700 में कुछ हमें फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर देखने को मिल रहे हैं, यानी कि इसके सेगमेंट में पहली बार ऐसे कुछ फीचर है वो हमें XUV 700 में महिंद्रा ऑफर करने वाला है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो हमें सबसे बड़ा पेनोरामिक सनरूफ है वो हमें XUV 700 में देखने को मिलने वाला है। उसी के साथ हाई बीम असिस्टेंट फ्लश डोर हैंडल, जो कि XUV 700 का ऑब्वियसली अट्रैक्शन होने वाला है। उसी के साथ साथ इसमें हमें जो ड्रॉसीनेस डिटेक्शन सिस्टम आती है वो भी देखने को मिल जाने वाली है। ड्रॉसीनेस डिटेक्शन सिस्टम के बारे में आपको ज़्यादा जानना हो तो आप आई बटन में लिंक आ रही होगी या फिर आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी वीडियो की, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और अगला फीचर है XUV 700 में हमें वॉइस ग्रीटिंग देखने को मिलने वाली है, और वॉइस ग्रीटिंग के बारे में भी आपको ज़्यादा जानना हो तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो ऐसे कुछ फीचर है वो महिंद्रा सबसे पहली बार इसके सेगमेंट में XUV 700 में ऑफर कर रहा है।
और दोस्तों बात करते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स को लेकर, तो इसके सेफ्टी फीचर्स में हमें ADAS मतलब कि एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम देखने को मिलने वाली है, 6 एयरबैग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, उसी के साथ एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोनोमस पार्किंग असिस्टेंट, इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन एडेप्टिव वार्निंग, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, उसी के साथ ABS विद EBD भी हमें ऑफर किया जाएगा। तो ऐसे कुछ हमें सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं और काफ़ी सारे और भी सेफ्टी फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे इसमें। और दोस्तों यहाँ पर महिंद्रा वो ऐसा भी क्लेम कर रहा है कि XUV700 है उसमें 5-star सेफ्टी रेटिंग है वो देखने को मिलने वाली है। और इसके इंटीरियर को लेकर हम बात करें तो इसके इंटीरियर में हमें ड्यूअल स्क्रीन का सेटअप देखने को मिलेगा, एक होगा ऑब्वियसली इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड दूसरा होगा इसका टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। और इसी के साथ दोस्तों इसमें हमें ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। और नेक्स्ट बात करें तो इसकी जो सीट अपहोल्स्टरी आती है वो भी हमें ड्यूअल टोन में देखने को मिलने वाली है, बेज एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में हमें इसका जो ड्यूअल टोन थीम है वो देखने को मिल जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट बात करूँ तो इसमें हमें लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलेगा, जो कि हमें फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील होगा, यानी कि स्कॉर्पियो के जैसा ही फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील हमें इसमें भी ऑफर किया जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो इसमें हमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट भी ऑफर की जाएगी। तो ऐसे कुछ कंफर्ट वाइज फीचर हमें इसके इंटीरियर में देखने को मिलने वाले हैं। और दोस्तों इसके इंजन ऑप्शन में हमें कुछ 2 इंजन देखने को मिलेंगे, 2 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन और उसी के साथ 2.2 लीटर का डीजल इंजन। और ये दोनों इंजन के साथ हमें 6-speed मैनुअल एंड 6-speed ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है वो प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब कि डीजल एंड पेट्रोल दोनों के साथ हमें मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों का ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। और इसकी जो प्राइस है वो 17 से 25 लाख के सेगमेंट में एक्सपेक्ट की जा रही है। और बात कर दूँ इसके राइवल की तो इसके कॉम्पिटिटर में हमें MG एक्टर प्लस, टाटा सफारी और हुंडई की अल्काज़ार, तो ये कुछ कार है वो हमें देखने को मिल जाती है। सारी कारें हमें 6 और 7 सीटर दोनों के साथ देखने को मिलती है, तो जो XUV700 है वो भी हमें 6 और 7 सीटर ऑप्शन के साथ आएगी। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में ये कुछ था, वीडियो पसंद आया और आप रोज़ाना ऐसे न्यूज़ एंड अपडेट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए। और आपका कोई सुझाव, कोई क्वेश्चन हो और उसी के साथ साथ XUV700 की लीक्स एंड इसके जो फीचर्स एंड बाकी सारी डिटेल के लिए अगर आपका कोई ओपिनियन या कुछ आपको शेयर करना है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।